दोस्तों, यदि आपका एक फेसबुक अकाउंट है और अभी दोस्त आपका फेसबुक आईडी का जो पासवर्ड है उसे आप भूल चुके हैं और आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता करना चाहते हैं, सो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी हाल में आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट करके एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट करना चाहेंगे तो इसके लिए आपके फेसबुक आईडी पे जो आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर ऐड है वो आपके पास होना चाहिए, जिससे कोड भेजा जाएगा और उस कोड के माध्यम से आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके फेसबुक आईडी पे जो आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर ऐड है, मतलब जिस ईमेल आईडी या फिर जिस फोन नंबर के थ्रू आप अपना फेसबुक आईडी को क्रिएट किया था, वो अभी आपके पास नहीं है, तो इस केस में आपको कोड नहीं मिलेगा और कोड के अलावा आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, और एक जरिया है जिससे आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, तो वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। इसका मतलब दोस्तों, विदाउट किसी ईमेल आईडी के या फिर विदाउट किसी फोन नंबर के, मतलब बिना किसी कोड के, कैसे आप अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट करके एक न्यू पासवर्ड बना सकते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन में अपना फेसबुक ऐप को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों, नीचे जो फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, इस पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप अपना फेसबुक आईडी को मोबाइल नंबर से बनाया है तो इस केस में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यदि आप अपना फेसबुक आईडी को ईमेल आईडी से क्रिएट किए थे तो इस केस में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। तो दोस्तों, मैंने अपना फेसबुक आईडी को ईमेल आईडी से बनाया था, तो इस केस में मैं यहाँ पे सिंपली से ईमेल आईडी डाल दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे फाइंड योर अकाउंट वाले ऑप्शन पे प्रेस देंगे तो ऐसे में भाई लोग आपका जो फेसबुक आईडी है वो दिखाया जाएगा। जैसे कि भाई लोग, मुझे यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी दिखाया गया है। तो यदि आप अपना फेसबुक आईडी को लॉगिन करना चाहेंगे तो इस केस में आपको यहाँ पे अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। लेकिन दोस्तों, आपको अपना फेसबुक आईडी का तो पासवर्ड पता नहीं है, आप तो अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड भूल गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई लोग, इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है कि नीचे जो गेट कोड का ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली से आपको यहाँ पे गेट कोड वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो आप जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो भाई लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फेसबुक आईडी पे जो ईमेल आईडी ऐड है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यदि मेरे पास ये वाला ईमेल आईडी होता तो इस केस में मैं यहाँ पे टिक मार्क लगा के सिंपली से कंटिन्यू करने पर मुझे कोड मिलता और उस कोड के माध्यम से मैं अपना फेसबुक आईडी का न्यू पासवर्ड बना सकता था। तो आपके फेसबुक आईडी पे जो भी आपका ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर ऐड है वो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसपे आप कोड लेके अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ईमेल आईडी या फिर जो फोन नंबर आपके फेसबुक आईडी पे ऐड है, तो यदि वो फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना है कि नीचे जो नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस का ऑप्शन दिया गया है, इस पे प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ये कर देंगे तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस डालने के लिए बोला जाएगा। सो भाई लोग, आप यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि दोस्तों, आपको यहाँ पे एक न्यू ईमेल आईडी डालना है और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे वो आपके पास होना चाहिए, और जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे देंगे वो वाला ईमेल आईडी किसी दूसरे फेसबुक आईडी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों, आपको एक न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी डालना होगा, क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पे जो ईमेल आईडी देंगे वो ईमेल आईडी आपके फेसबुक आईडी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। सो भाई लोग, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही आसान है। आप सबको पता होगा कि कैसे ईमेल आईडी बनाया जाता है और आप एक फोन के अंदर एक साथ काफी सारे ईमेल आईडी को यूज भी कर सकते हैं, ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो आप एक न्यू ईमेल आईडी बना लीजिएगा और ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल के सिंपली से नीचे सेम टू सेम ईमेल आईडी डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। तो ईमेल आईडी डाल के सिंपली से आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने पर आपके सामने कुछ स्टेप से दिखाया जाएगा और आपको यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ डालने के लिए बोला जाएगा। सो भाई लोग, आप अपना किसी भी आईडी प्रूफ यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आईडी प्रूफ आपके पास है वो वाला आईडी प्रूफ यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
जो आईडी आप देंगे और उस आईडी पे जो आपका नेम है उसी नेम से ही आपका फेसबुक आईडी होना चाहिए। और यदि किसी अलग नेम से आपका फेसबुक आईडी है तो इस केस में जो फोटो है वो सेम टू सेम होना चाहिए, मतलब आपका प्रोफाइल फोटो सेम टू सेम होना चाहिए। या फिर दोस्तों प्रोफाइल फोटो भी अलग है तो इस केस में जो डेट ऑफ बर्थ है आपके फेसबुक आईडी पे वो दोस्तों आपके आईडी पे सेम टू सेम होना चाहिए, तब जाके दोस्तों रिकवर हो पाएगा। तो इसके लिए सिंपली से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है, तो ऐसे में भाई लोग आपका जो बैक कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। तो भाई लोग मैं यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड को सबमिट करना चाहता हूँ, तो इस केस में मैं यहाँ पे सिंपली से वोटर आईडी का फोटो जो है वो यहाँ पे ले लूंगा। तो इस टाइप से आपको फोटो ले लेना है अपना आईडी का। उसके बाद क्या करना है कि नीचे जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है तो सिंपली से आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। तो जैसे ही सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर आईडी। मतलब दोस्तों मेरा जो आईडी है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और भाई लोग और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए कि दोस्तों ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया है इन सारे प्रोसेस को आपको उस मोबाइल में ही करना है जिस मोबाइल पे आप अपना फेसबुक आईडी को यूज करते थे, नहीं तो दोस्तों यदि आप दूसरे फोन में ट्राई करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपको अपने ही फोन के माध्यम से ये वाला प्रोसेस करना है। मतलब दोस्तों आप जिस फोन में अपना फेसबुक आईडी को यूज करते थे उसके बाद दोस्तों आपको अपने फोन में अपना गूगल प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है जीमेल। उसके बाद सर्च करते ही आपके सामने आपके फोन का जो जीमेल ऐप है वो दिखाया जाएगा। तो यदि आपको जीमेल ऐप को अपडेट करने के लिए बोला गया है तो आप सबसे पहले अपना जीमेल ऐप को अपडेट कर लीजिएगा। तो मेरा पहले से ही यहाँ पे अपडेट है तो सिंपल से मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लूंगा। तो आईडी सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन में अपना जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपके फोन में एक से ज्यादा ईमेल आईडी है तो इस केस में आपको यहाँ पे इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी है वो सारे के सारे ईमेल आईडी आपके सामने दिखाया जाएगा। तो आपको यहाँ पे उस ईमेल आईडी पे प्रेस करके लॉगिन होना है अपना जीमेल ऐप पे जिस ईमेल आईडी को आपने डाले थे सबमिट करने से पहले। जैसे कि भाई लोग इस ईमेल आईडी को मैंने डाला था सबमिट करने से पहले, तो इस पे मैं प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे जीमेल ऐप के अंदर ये लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो भाई लोग जीमेल ऐप के अंदर आपको उस ईमेल आईडी से लॉगिन होना है जिस ईमेल आईडी को आपने डाले थे सबमिट करने से पहले। उसके बाद दोस्तों उसी जीमेल आईडी पे ही, मतलब उसी ईमेल आईडी पे ही आपको फेसबुक टीम की तरफ से मेल किया जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको 24 घंटा भी लग सकता है। सो भाई लोग कुछ ही मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे फेसबुक टीम की तरफ से मेल कर दिया गया है। जैसे कि मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूं तो ऐसे में भाई लोग आप यहां पे देख लीजिए कि बताया गया है कि थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर आइडेंटिटी। मतलब दोस्तों मेरा आइडेंटिटी से मेरा फेसबुक आईडी आइडेंटिफाई हो चुका है और मुझे यहाँ पे रिसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिस पर प्रेस करके आप अपना फेसबुक का पासवर्ड रिसेट कर सकेंगे। तो इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे रिसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देंगे तो किसी भी ब्राउजर में इसे ओपन करने के लिए बोला जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम बीटा में ओपन कर लूंगा, तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या होता है। सो भाई लोग यहाँ पे बताया गया है कि इंटर ए न्यू पासवर्ड। इसका मतलब दोस्तों अभी मैं यहाँ पे अपना पसंद का पासवर्ड डाल के अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड बना सकता हूँ। तो आपको भी यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी पासवर्ड आप अपना फेसबुक अकाउंट पर बनाना चाहते हैं तो वो वाला पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे सिंपली से इस बॉक्स पे टिक मार्क लगा के नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली से गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ये कर देंगे तो ऐसे में भाई लोग आपका जो न्यू पासवर्ड है वो आपके फेसबुक आईडी के साथ सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। तो ये होने के बाद दोस्तों आप अपने फेसबुक आईडी का ओल्ड वाला ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर या फिर न्यू वाला ईमेल आईडी और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे उस पासवर्ड के माध्यम से आप अपना फेसबुक आईडी को एक्सेस कर सकेंगे। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो गया है कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे टर्न ऑन एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे प्रेस कर देंगे तो ऐसे में रीडायरेक्ट होकर आपका फेसबुक ऐप ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपना फेसबुक आईडी को लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना पुराना वाला ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर न्यू वाला ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड डाल के जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन कर देंगे ऐसे में भाई लोग आप यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा जो फेसबुक आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों मैंने यहाँ पे विदाउट फोन नंबर या फिर विदाउट ईमेल आईडी के, मतलब बिना किसी कोड के अपना फेसबुक आईडी का पासवर्ड पता कर लिया।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि विदाउट किसी ईमेल आईडी के या फिर विदाउट किसी फोन नंबर के कैसे आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड रिसेट करके एक न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही बताना था। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और के मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल बटन पे प्रेस करके साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।